हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्मो स्टूडियो। आज मैं करूंगा अनबॉक्सिंग एक माइक की। जी हाँ, ये माइक है बोया का MM1 माइक, जो कि मैंने परचेज़ किया है अपने कैमरे के लिए, जो कि मेरे पास है कैनन M50 कैमरा। और इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी करूंगा और उसकी मैं क्लैरिटी भी दिखाऊँगा, कैसी इसकी क्लैरिटी आती है, वॉइस क्लैरिटी कैसी आती है। वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसके लिए रोड माइक लेते हैं, रोड वाला माइक लेते हैं, जो कि 5-5.5 हज़ार के आसपास आता है, लेकिन ये वाला काफ़ी सस्ता माइक है। ये आपको 1600-1700 रुपये मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने जितनी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस इसकी क्वालिटी में नहीं लगा है, जबकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने ये वाला माइक परचेज़ कर लिया है। और अभी मैं आपको इसकी क्लैरिटी दिखाऊंगा कि माइक से और बिना माइक के, कैमरे के इंटरनल माइक से और इसके साथ क्लैरिटी कैसी आती है, वॉइस क्लैरिटी। चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वॉइस क्लैरिटी कैसी आती है इस माइक के साथ मेरे कैमरे की। ये है बोया का MM1 माइक, जो कि यूनिवर्सल माइक यहाँ पर लिखा है। और साइड में इसके देखते हैं इस तरह से, और ये भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर बार कोड है, काफ़ी कुछ है इस पर लिखा हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर भी ये और ये। अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी देखते हैं इसमें क्या क्या किस तरह से आता है ये। तो मैं वैसे ओपन ही बॉक्स था, लेकिन मैंने ओपन किया नहीं था, शॉप पर ओपन करके देखा था एक बार चेक करने के लिए। अभी देख सकते हैं इसका जो मेन माइक है वो तो ये है। अब मैं इसको आपको ओपन करके अभी दिखाऊंगा। इसमें बाल्स लगे हैं इस तरह से, ताकि जो नॉइस वगैरह है, जो हवा अगर बाहर यूज़ करेंगे इसको, ताकि ज़्यादा नॉइस वगैरह ना आए, इस वजह से बाल से टाइप से दिए हैं इस तरह से। ये माइक है इसका अंदर की तरफ, काफ़ी लंबा माइक है। यहाँ पर ये 3.5 mm जैक यहाँ पर लगा सकते हैं। और एक ये यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, केबल सी दी है, ये पता नहीं किस लिए दी है। बाकी जो इसकी मेन केबल है वो ये वाली है, जो कि हम कैमरे से अटैच करेंगे। ये वाली यहाँ पर लगाएंगे और ये वाली लगाएंगे कैमरे के अंदर। और ये इसका पाउच दे रखा है इन्होंने, ये सिलिका का ये वो कवर दिया। ये वाला जो दिया है इन्होंने, ये यहाँ पर माउंट में लगाने के लिए दिया है, इसको जो कैमरे में लगाते हैं। मैं भी आपको इसको लगा के भी दिखाऊंगा और इसकी क्लैरिटी दिखाता हूँ कैसी है। देख सकते हैं इस तरह की केबल है ये, जैसे टेलीफोन में आती है इस तरह की, तो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये शॉटगन माइक के लिए इस तरह की केबल आती है। मैं आपको अभी इसको सेटअप करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा माइक यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये व्लॉगिंग सेटअप बन गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आ रहा, स्क्रीन भी हमें दिख जाएगी इजीली, और यहाँ पर ये माइक भी यहाँ पर लग गया है, देख सकते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा माइक सेटअप हो गया है, हिल भी नहीं रहा है ठीक से। और देखते हैं अभी इसकी मैं वॉइस क्लैरिटी आपको सुनाता हूँ कैसी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये है कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन से। अभी मैंने इसमें माइक तो लगा रखा है, लेकिन उसमें माइक पोर्ट मैंने नहीं लगाया, मतलब माइक मैंने लगा के छोड़ दिया। और अभी मैं इसमें माइक लगा देता हूँ, माइक का पोर्ट इसमें लगा देता हूँ, आपको पता लगा कैसी इसकी क्लैरिटी है। अभी जो रिकॉर्डिंग है बिना माइक के है, मतलब कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है वॉइस। अभी मैं आपको यहाँ पर माइक लगा के दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये माइक हमारा यहाँ पर, अभी मैंने नहीं लगाया, देख सकते हैं इस तरह से इसका वायर होता है। अब मैं माइक यहाँ पर लगा देता हूँ, ये मैंने माइक इंसर्ट कर दिया है। और अब ये जो मैंने माइक लगा दिया, जो रिकॉर्डिंग है, अब ये बोया के MM1 माइक के साथ आप सुन रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो बोया का MM1 माइक के साथ है। जी हाँ, MM1 माइक, जो कि बोया का MM1 माइक तो वायर वाला माइक होता है, ये है बोया का MM1 माइक, जो कि शॉटगन माइक होता है। इसकी क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, अभी मैंने जितनी वीडियोज़ देखी हैं तो मुझे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी लगती है, इसी वजह से मैंने ये माइक ख़रीदा है। शॉटगन माइक है, व्लॉगर्स के लिए काफ़ी अच्छा माइक है ये, तो मैंने इसीलिए माइक लिया है। अब आपको पता लगेगा इसकी क्लैरिटी कैसी है, वॉइस क्लैरिटी कैसी है पहले वाले में और अब मैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा रहा होगा। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि कितनी नॉइस कैप्चर करता है बाहर से भी, बाहर ज़्यादा शोर आता है मेरे, इसलिए मैं दिन में रिकॉर्डिंग नहीं करता, शूटिंग नहीं करता। तो इस वजह से मैंने ये वाली रिकॉर्डिंग जानबूझ के वीडियो बनाई मैंने दिन में, ताकि आपको पता चल सके यहाँ पर कितना, मतलब नॉइस कितनी आती है, ये नॉइस कितनी कैप्चर कर सकता है ये वाला माइक, और बिना माइक के कैसी रिकॉर्डिंग आती है। तो उम्मीद है गाइस आपको पता चल गया होगा कि बिना माइक के और माइक के साथ, MM1 माइक के साथ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।